पूरी दुनिया के लिए डराने वाले संकेत आ रहे हैं सामने। इस सदी के अंत तक सब कुछ हो जाएगा तबाह। टूट जाएंगे महासागरों के किनारे, डूब जाएगी पूरी धरती। खतरे में पड़ा इंसानों का अस्तित्व। दोस्तों, पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने बहुत ही डरा देने वाली चेतावनी दी है। उनका कहना है कि इस धरती पर बहुत ही भयंकर तबाही मचने वाली है। इस महाविनाश में पूरी धरती पानी में डूब जाएगी और इंसानों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। यानी कि आज जो है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये बात कोई अफवाह नहीं बल्कि आने वाले वक्त का सच है जिसकी चेतावनी वैज्ञानिकों ने दे दी है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इस तबाही के कारण कोई और नहीं बल्कि इंसान खुद है और इस तबाही का नाम है जलवायु परिवर्तन। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि बार बार चेतावनी देने के बाद भी इंसान अपने स्वार्थ को रोक नहीं रहा है और अब वो होने वाला है जिसका डर था। दरअसल दुनिया का बर्फीला मैदान अंटार्कटिक सिकुड़ने लगा है। उसकी बर्फ लगातार पिघलती जा रही है और अभी हाल ही में आई रिपोर्ट में सामने आया है कि 2 साल में दूसरी बार अंटार्कटिक की समुद्री बर्फ अपने सबसे निचले स्तर पर रिकॉर्ड की गई है। ये बात बहुत ही डरा देने वाली है। वैज्ञानिकों को डर है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब महासागरों के किनारे टूट जाएंगे और ये धरती पानी में समा जाएगी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग का दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है, अंटार्कटिक के पिघलते ग्लेशियर क्या विनाश लाने वाले हैं और इस तबाही से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सब को जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में गर्मी तेजी से बढ़ती जा रही है। न सिर्फ मैदानी इलाकों में बल्कि अंटार्कटिक में इसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती के संतुलन को बनाए रखने में बेहद अहम भूमिका निभाने वाली उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर भीषण गर्मी पड़ रही है। हालत यह है कि अंटार्कटिका में तापमान औसत से 70 डिग्री सेल्सियस ज्यादा बढ़ गया है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। वहीं आर्कटिक में भी तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। फिलहाल अंटार्कटिका में तापमान 40 डिग्री और आर्कटिक में पारा 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो सामान्य से कहीं ज्यादा गर्म है। विशेषज्ञों के मुताबिक दोनों ही ध्रुवों पर बढ़ती गर्मी से वहां जमी बर्फ के पिघलने की दर तेज हो सकती है, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। इससे दुनिया के निचले इलाकों के डूबने की दर तेज हो जाएगी। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अंटार्कटिका महाद्वीप के पश्चिम हिस्से में ग्लेशियर यानी हिमनदी रिकॉर्ड तेजी से पिघल रही है। बताया जा रहा है कि यहां ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार 5,500 साल में सबसे तेज हो गई है। इसके साथ ही अंटार्कटिका के थ्वाइट्स ग्लेशियर तो रिकॉर्ड गति से पिघल रहा है, जो बेहद खतरनाक है। इसे लेकर जर्नल नेचर के 2 अध्ययनों में कहा गया है कि जिस तरह से ग्लेशियर नीचे से सिकुड़ रहा है उसकी वैज्ञानिकों ने कल्पना भी नहीं की थी। वहीं पूर्वी अंटार्कटिका की बात करें तो यहां भी पिछले कुछ समय से गर्मी में तेजी से इजाफा हो रहा है। यहां का तापमान -11.8 डिग्री तक पहुंचने लगा है, जो आमतौर पर यहां रहने वाले तापमान से 40 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। मौसम वैज्ञानिकों ने पूर्व अंटार्कटिका में इस गर्मी की वजह बताते हुए कहा कि अंटार्कटिका में बर्फ के पहाड़ों के नीचे वायुमंडलीय नदी का बहाव देखा जा रहा है। ये एक तरह से गर्म हवा की नदी होती है जो बहुत दूर तक बहती है। इसके साथ ही वैज्ञानिक बताते हैं कि धरती का औसत तापमान 19वीं सदी में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है और इसकी वजह जलवायु परिवर्तन है। अगर ये इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो दुनिया के वायुमंडल में जबरदस्त बदलाव देखने को मिलेंगे। सूखा, गर्मी और तूफानों की संख्या बढ़ जाएगी। ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और कई शहरों के डूबने का खतरा पैदा हो जाएगा। नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर यानी कि NSIDC के अनुसार अंटार्कटिका को आकार देने वाली समुद्री बर्फ 1.91 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक कम हो गई है। ये पिछले साल 25 फरवरी को दर्ज किए गए पिछले सबसे कम रिकॉर्ड 1.92 मिलियन वर्ग किलोमीटर से भी कम है। और बताया जा रहा है कि समुद्री बर्फ अभी और सिकुड़ सकती है, यानी कि यहां बर्फ के पिघलने की घटना लगातार बढ़ती जाएगी। साल 1978 में सैटेलाइट से इसकी निगरानी शुरू करने के बाद से पिछले 2 सालों में समुद्री बर्फ का स्तर 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से कम हो गया है। दोस्तों, साल 2020 में कार्नेल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ब्रिटनी श्मिट की लीडरशिप वाली अमेरिका और ब्रिटेन के 13 वैज्ञानिकों की टीम ने यहां पिघल रही ग्लेशियर को लेकर अंतरराष्ट्रीय थ्वाइट्स ग्लेशियर सहयोग कार्यक्रम के तौर पर एक बड़ा फील्ड कैंपेन चलाया था। इस रिसर्च वर्क के दौरान अंडरवाटर रोबोट वाहन आइस फिन के जरिए से थ्वाइट्स ग्लेशियर के उन हिस्सों तक वैज्ञानिक पहुंचे जहां प्रति साल कई टन बर्फ पिघलकर समुद्र में गिरती है। इस शोध के संबंध में नेचर जर्नल में स्टडी प्रकाशित की गई, जिसमें बताया गया कि ग्लेशियर की ढाल के तौर पर मौजूद बर्फीली चट्टान के नीचे मौजूद गर्म पानी इसके सबसे कमजोर भागों में पहुंचकर उन्हें भारी नुकसान पहुंचा रहा है। दरअसल ग्लेशियर की ढाल के तौर पर ये बर्फ की चट्टान ही उसकी रक्षा करती है। ऐसे में अब चिंता का विषय यही है कि समुद्र के गर्म होने से बर्फ की चट्टान कमजोर पड़ने लगी है और जिसकी वजह से ग्लेशियर के पिघलने की गति
बढ़ रही है। वैसे तो रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि बर्फ की चट्टान के पिघलने की रफ्तार पहले की तुलना में धीमी है, लेकिन गहरी दरारें और सीढ़ीनुमा संरचनाएं अब काफी तेजी से पिघल रही हैं। हर साल इस ग्लेशियर की अरबों टन बर्फ पिघल रही है, जो समुद्र के जलस्तर की सालाना बढ़ोतरी में 4% का योगदान करती है। इसके साथ ही वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालय के ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग के कारण असाधारण दर से पिघल रहे हैं। अध्ययनकर्ताओं ने पाया कि हिमालय के ग्लेशियरों ने पिछले कुछ दशकों में 400-700 साल पहले हुए ग्लेशियर विस्तार की तुलना में औसतन 10 गुना ज्यादा तेजी से बर्फ खो दी है। ग्लेशियर विस्तार की उस अवधि के हिमयुग या आइस एज कहा जाता है। जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित अध्ययन से यह भी पता चलता है कि हिमालय के ग्लेशियर दुनिया के अन्य हिस्सों के ग्लेशियरों की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। ब्रिटेन के लीड्स विश्वविद्यालय के अध्ययनकर्ताओं के नेतृत्व में एक टीम ने लिटिल आइस एज के दौरान हिमालय के 14,798 ग्लेशियरों के आकार और बर्फ की सतहों की गणना की, जिसमें पाया गया कि ग्लेशियरों ने अपने क्षेत्र का लगभग 40% हिस्सा खो दिया है। इनका दायरा 28,000 वर्ग किलोमीटर के शिखर से आज लगभग 19,600 वर्ग किलोमीटर तक सिकुड़ गया है। दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रृंखला एंटार्क्टिका और आर्कटिक के बाद दुनिया में ग्लेशियर के मामले में तीसरे स्थान पर है और इसे अक्सर तीसरा ध्रुव कहा जाता है। अध्ययनकर्ताओं ने कहा है कि हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने की गति का उन करोड़ों लोगों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है जो भोजन और ऊर्जा के लिए एशिया की प्रमुख नदी प्रणालियों पर निर्भर हैं। इसमें ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु जैसी नदियां शामिल हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियर पिघलने से हिमालय की गोद में बसे नगरों में इसका असर दिखने लगा है। यहाँ कभी पानी की कमी तो कभी बाढ़ जैसे पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की वजह से ये स्थितियाँ पैदा हो रही हैं। उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने और भूस्खलन समेत तमाम घटनाएं समय समय पर सामने आती रहती हैं। साथ ही ग्लेशियर में नई झीलों के बनने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं, जो आने वाले समय में किसी खतरे से कम नहीं है। दोस्तों, इंसान ने अपने लालच में आकर कुदरत से इतनी छेड़छाड़ कर दी है कि धरती अब विनाश की ओर चल दी है, यानी कि धरती का प्राकृतिक स्वरूप लगातार बिगड़ता जा रहा है, जिसका नतीजा ये होता जा रहा है कि तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो मानव प्रजाति के लिए सही नहीं है। नतीजे यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि जल्द ही धरती या तो पूरी तरह से पानी में डूब जाएगी या फिर इंसान सूखे से मर जाएंगे। वहीं फ्रांस की वैज्ञानिक वैलेरी मेसिन डेलमोंटे का कहना है कि इस तरह के शोध लोगों को एक मौका देते हैं कि वो इन बिंदुओं को समझें और मौसम में बदलाव की घटनाओं के प्रति जागरूक बने। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हम वक्त रहते नहीं संभले तो यह महाविनाश लाने से कोई नहीं रोक सकता है, इसीलिए या तो हमें खुद को बदलना होगा या फिर पछताना होगा। आईपीसीसी कार्यकारी समूह के सह संयोजक और रिपोर्ट के लेखक वैलेरी मेसन डेलमोंट कहते हैं, अब हमारे पास अतीत, वर्तमान और भविष्य की जलवायु की बेहद साफ तस्वीर है। अब यहाँ बस ये समझना जरूरी है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, क्या किया जा सकता है और हम कितने तैयार हैं। अगर भविष्य में हमें जिंदा रहना है तो हमें आज से ही संभलना होगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब ये धरती पानी में समा जाएगी। दोस्तों, इसे लेकर आपका क्या सोचना है? ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हम कितने सचेत हैं और क्या इस तबाही को रोकने के लिए हम जो कदम उठा रहे हैं वो पूरी तरह से पर्याप्त हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।